गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग एक्सरसाइज 5 मल्टीप्लीकेशन। हेयर 1 इज रेस्पेक्टिवली एडेड 10 टाइम्स। हमने 1 को कितने टाइम्स एडेड किया है? 10 टाइम। मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन। वी राइट एज 10 मल्टीप्लाई बाय 1। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? एक रिपीटेड एडिशन होता है। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कहते हैं तो हम क्या कर देते हैं, 2 + 2 तो क्या हो जाता है, 4, राइट। वी राइट एज 10 मल्टीप्लाई 1, 10 डॉल्स थी और 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 10। वी रीड इट एज एनी 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10। 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते तो किसके इक्वल होता, 10 के। द रिजल्ट ऑफ 10 ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर इज कॉल्ड देयर प्रोडक्ट। यदि हम 2 नंबरों को मल्टीप्लीकेशन करते हैं और उसके बाद जो आंसर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब देखिए एक्सरसाइज 1, फिल इन द मिसिंग नंबर। 3 ऐड बाय 3 6, 6 ऐड बाय 3 9। अब देखिए इसमें कितनी रोज है, 1, 2 एंड 3 रोज है, 3। और कितने कितने मैंगोज है एक में, 3, तो 3 3 9। अब देखिए 2 then 2 2 ऐड बाय 2 ऐड बाय 2 6। अब इसमें बताइए कॉलम कितने ग्रुप्स हैं, 1, 2 एंड 3, 3 ग्रुप्स हैं तो कितने हो गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। हाउ मैनी बटन, 6 ऐड बाय 6 12 12 ऐड बाय 6 18 18 6 ऐड बाय 4 24। अब 4 है और रोज कितनी है, 1, 2, 3, 4 रोज हैं और एक रो में कितने बटन हैं, 6, तो वो हमने लिख दिया 6, तो 6 4 4 6 24। क्लियर। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर द प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम। यदि हम किसी भी ऑर्डर को चेंज कर, जैसे 3 मल्टीप्लाई 4 करें या 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो हमारा आंसर क्या आता है, 12। जैसे कि हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6 भी आपका 12 आता है और 6 मल्टीप्लाई 2 भी आपका क्या आता है, 12। इवन इफ द ग्रुपिंग ऑफ 3 गिवन नंबर इज चेंज देयर प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम। मान लीजिए कि जैसे कि ये 3 नंबर्स हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, यदि हम किसी भी तरह से इसको इंटरचेंज कर दें, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 8। यदि हम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, सॉरी 4 कर दें, तब भी 8 आएगा। यानी हम किसी भी तरह से इसको इंटरचेंज कर दें तो भी आंसर क्या आता है, प्रोडक्ट क्या आता है, हमारा सेम आता है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर 0 इज 0। यदि किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज क्या आता है, 0। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर इज 1 इज नंबर इट्स, और किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, वही सेम नंबर आता है। जैसे 12 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12, जो नंबर मिसिंग है वही हमारा नंबर आया। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्लैंक, तो हमारा कौन सा नंबर मिसिंग है, 3। अब 0 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो 0 से। अब 6 है 7 है, यहाँ पे भी 6 है 7 है, विच नंबर इज मिसिंग, 9। 562 को 1 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 562, सेम नंबर। तो डू एक्सरसाइज 1 एंड 2 इन योर नोटबुक। थैंक यू।